भाई गुजारिश ये है कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे एकेडमिक्स में डॉक्टर्स हैं। ये डॉक्टर्स जो हैं ये क्यों बनते हैं और पीएचडी की डिग्री क्यों दी जाती है? तो गुजारिश ये है कि जो बैचलर्स की डिग्री होती है वो ये सर्टिफाई करती है कि ये जो शख्स बैचलर डिग्री होल्डर है इसको सब्जेक्ट के बारे में कुछ इल्म तो है लेकिन इसके पास जो इल्म है वो नामुकम्मल है, बुनियादी बातें इसको पता हैं। जो मास्टर्स की डिग्री होती है उसमें उसको कहा जाता है कि ये आलम बन गया है। आलम से मुराद ये है कि हाँ अब इसके पास सारे सवालों के जवाब बाबत मुतल्लका सब्जेक्ट मौजूद हैं, इसलिए ये आलम है। पीएचडी कब दी जाती है? वो उस वक्त दी जाती है कि जो एग्जिस्टिंग इलम है उस सब्जेक्ट के मुतल्लक उसमें कुछ नया इलम जो है वो डिस्कवर करके इजाफा की, उस शख्स को पीएचडी की डिग्री दी जाती है। आप मुआशरे को ढूंढ के देख लें, आपको 2 नंबर पीएचडी बेशुमार मिलेंगे जो पीएचडी कि डिग्री को न जाने कैसे जस्टिफाई करते हैं। वो तो इवन के मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूं कि वो 1 3000 क्या 300 क्या 30 लाइनों का क्या 30 लफ्जों का एक लेटर अंग्रेजी में सही रबत के साथ या उर्दू में सही रबत के साथ नहीं लिख सकते। वो लोग जो हैं उन्होंने उनको सरकारी यूनिवर्सिटियों में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर बनाया हुआ है, इन्हातात का शिकार हैं। तो कई आपको कई डिसिप्लिन्स में, मैनेजमेंट साइंसेस में, आपको मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, लॉ में बहुत सारे पीएचडी ऐसे मिलेंगे जो फ्रॉडी हैं, और कुछ उनमें से ऐसे लोग हैं जो पैसे के बलबूते पे दूसरे लोगों से लिखवाते हैं पीएचडी का थीसिस और फिर जाकर डिग्रियां ले लेते हैं और खाली बंदे होते हैं। जैसे पान और सिगरेट का खोखा नजर आता है ना, खाली खाली सा, गरीब इलाकों में इस तरह के ये लोग होते हैं। ऊपर लिखा होता है पीएचडी, अंदर पान और सिगरेट वाला खोखे की तरह की इनकी नुमाइश होती है। तो जब यह इस तरह के लोग पीएचडी हैं तो लोगों को पता चलता है कि ये साहब पीएचडी हैं, तो आम गली मोहल्ले का जो बंदा है वो भी कहता है जनाब हम भी पीएचडी हैं। तो एक साहब मुझे मिले, वो गाली गलौज बहुत अच्छा करते थे, उन्होंने कहा कि मैं जी डॉक्टर ऑफ गाली गलौज हूँ, लोग जो डॉक्टर लिखते हैं तो मैं भी लिखूँगा। अब देखें ये कैसी एक मुआशरे में बात फैल रही है कि लोग जो हैं वो इनको कहते हैं कि ये डॉक्टर ऑफ गाली गलौज जो है ये भी ठीक है भाई, बाकी पीएचडी फिर रहे हैं। एक डॉक्टर छम्मा साहब हैं, उन्होंने इस साल सबसे ज़्यादा छम छम किया है मार्केट में, और वो जानते हैं कौन है। एक डॉक्टर कैंचा है, ये कैंचा जो है ये कब्जा ग्रुप है और ये फ्राडिया है, और डॉक्टर कैंचा सदी का सबसे बड़ा कैंचा है जिसने सबसे ज़्यादा कैंची की किस्में दरियाफ्त की, यानी लोगों को कैंचे मारे हैं। डॉक्टर ऑफ शदीद जुकाम ये भी लोग कहते फिर रहे। पीएचडी की डिग्रियां जाली लोगों के पास, ज़्यादातर के पास जाली हैं, लेकिन इसमें कुछ जेन्युइन लोग भी हैं। लेकिन जनरल लोग आपको आखिरी सफ़ों में नजर आएंगे। एक बंदा आलू वाला नान बड़ा अच्छा लगता है, जी मैं डॉक्टर हूँ, मैं उन डॉक्टरों से बेहतर हूँ जो डिग्री लेके, तो डॉक्टर ऑफ आलू वाला नान कहता है जी मैं डॉक्टर ऑफ आलू वाला नान। एक साहब मुझे मिले, वो डांस के बड़े शदीद माहिर है, तो कहते जी मैं डॉक्टर ऑफ शदीद डांस हूँ। ऐसे लोग पीएचडी मौजूद हैं जो ज़ीरो है, एकेडमिक्स में ज़ीरो है, कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज में नया इलम नहीं लाते। एक साहब है वो बकवासियात बहुत अच्छी करते हैं, कहते हैं जी मैं डॉक्टर ऑफ अव्वल दर्जे की बकवासियात हूँ। एक बंदे कहते हैं जी मैं ये जो स्टडी इंस्टीट्यूशंस हैं इधर हैप्पी बर्थडे के नाम पे बड़ी प्रैक्टिस करवाई जाती है लड़का लड़कियों को ताकि ये इकट्ठे रहें और शुगल मेला लगता रहे ना, ताकि फीसें मिलती रहें। तो वो कहते हैं जी हम डॉक्टर ऑफ हैप्पी बर्थडेज हैं। एक डॉक्टर भक भक भी हैं, बड़े बड़े इदारों के मालक हैं। चलो चलो भक भक चलो, डॉक्टर भक भक के पास भक्कर चलो। एक साहब हैं वो शेर बड़े अजीब अजीब से लिखते हैं, बिला वजह के डॉक्टर बनी फिरते हैं, डॉक्टर ऑफ बिला वजह शेरियात में कहा जाता है। डॉक्टर कहा जाता है कि डॉक्टर ऑफ भक भक जो हैं
ये मेडिकल साइंसेज में भी आपको मिलेंगे, नीम अकीम, डॉक्टर ऑफ भक भक भक्कर में फक बेचते हैं। एक डॉक्टर ऑफ जरूरी है, वो कहते हैं जी हम सारे डॉक्टर हैं क्योंकि हमें ज़रूरियात पूरी करनी है, तो हम डॉक्टर ऑफ ज़रूरियात हैं। कुछ डॉक्टर ऑफ कब्ज़ा भी मौजूद हैं, डॉक्टर पान सुपारी भी मौजूद हैं, डॉक्टर ऑफ बक बक, डॉक्टर ऑफ फक फक। मुआशरा इस तरह के डॉक्टरों से भरा पड़ा है। नायाब गोहरों को तलाश करें, अगर मुल्क को सही रास्ते पे लाना है तो सही पीएचडी वाले लोग होने चाहिए, इल्म वाले लोग होने चाहिए, लेकिन वो आपको आखिरी सफ़ों में मिलेंगे अगर हैं तो, और हैं वैसे, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव अंडरस्टूड। भक भक, डॉक्टर ऑफ भक भक।